स्वागत बंधन। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी जनसंचार माध्यम के अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं इसमें नाटक, कहानी, पत्र लेखन, इंटरनेट है ना, बहुत सारे प्रिंट मीडिया मैंने आपको इसमें पढ़ाया। आज हम इसके जो नाटक है, नाटक किसे कहते हैं, उसके जो अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर हैं उनको पढ़ाएंगे समझाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय परंपरा में काव्य कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है? भारतीय परंपरा में काव्य दो प्रकार का होता है, एक शब्द और एक दृश्य। कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। नाटक काव्य की किस शैली में आता है? तो नाटक जो है वह काव्य की दृश्य शैली में आता है। किस शैली में आता है? दृश्य शैली में। हिंदी जगत का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी जगत का प्रथम नाटक है नहुष। क्या है? नहुष। नहुष नाटक के लेखक कौन है? तो नहुष नाटक के लेखक गोपाल चंद्र है। दृश्य काव्य के मंच निर्देश किस काल में होते हैं? दृश्य काव्य के मंच निर्देश वर्तमान काल में होते हैं। दृश्य काव्य के कितने और कौन कौन से अंग होते हैं? तो दृश्य काव्य के तीन अंग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन। नाटक में कौन कौन से तीन तत्व होते हैं? तो सबसे पहला है नाटक में पढ़ने, सुनने और देखने के तीन तत्व होते हैं। साहित्य के अंतर्गत लेखन की कौन कौन सी मुख्य विधाया थी? साहित्य के अंतर्गत कविता, कहानी, उपन्यास आदि लेखन की विधाएं आती हैं। अब है यहां पर नाटक की अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति क्या है? तो नाटक की अपनी निजी और विशेष प्रकृति लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना है। लिखित नाटक कब संपूर्ण होता है? तो लिखित नाटक का जब रंगमंच पर मंचन होता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। नाटक की एक मूल विशेषता क्या होती है? तो नाटक की एक मूल विशेषता समय का बंधन होती है। नाटक का शरीर क्या होता है? भारतीय नाट्य शास्त्र में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को क्या कहा गया? नाटक का शरीर कहा गया। साहित्य में वर्णित नैरेटिव विधा किसे कहते हैं? जब शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन या चित्रण किया जाता है साहित्य में उसे वर्णित या नैरेटिव विधा कहते हैं। फिर आता है साहित्य लेखन की कौन सी विधा नाटक के सबसे निकट होती है? तो साहित्य लेखन की कविता नाटक के सबसे निकट होती है। नाटककार को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना होता है? नाटककार को अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना होता है। नाटक का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? तो नाटक का सबसे सशक्त माध्यम क्या? संवाद। जो बोले जाते हैं वह संवाद कहलाते हैं। रंगमंच पर बोलने वाले पात्र और उनके दर्शक सचमुच कैसे प्राणी होते हैं? तो रंगमंच पर बोलने वाले पात्र उनके जो दर्शक हैं दोनों हार मास से युक्त जीवंत प्राणी होते हैं। दर्शक के मन को छू लेने के लिए संवाद कैसे होना चाहिए? तो दर्शक के मन को छूने के लिए जो संवाद है अधिक से अधिक कैसे होना चाहिए? सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। पारसी नाटकों का शिल्प किस पर आधारित होता है? तो पारसी नाटकों का शिल्प शेर व शायरी, गीत संगीत और अति रंग
रंजित। तो फारसी नाटकों का जो शिल्प है कैसा होता है? शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित संवादों पर आधारित होता। फिर है नाटक कब सफल नहीं होता है? तो कब सफल नहीं होता? जब नाटककार पहले शिल्प या संरचना को निश्चित कर लेता है, फिर उसमें किसी कथ या कहानी को फिट करता है, तो ऐसी कोशिश नाटक में सफल नहीं होती। अब है यहां पर नाटक साहित्य के अंतर्गत आने पर भी कविता, कहानी, उपन्यास आदि से भिन्न क्यों होता है? तो जो नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग होता है, जैसे रंगमंचीयता। फिर है नाटक को लेखन के बाद कहाँ घटित होना होता है? तो नाटक को ले जो नाटक होता है उसको लेखन के बाद दर्शकों की आंखों के सामने ही एक बार फिर रंगमंच पर घटित होना होता है। किस प्रकार के नाटक अधिक सशक्त होते हैं? जिन नाटकों में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रति रोध और अस्वीकार जैसे तत्व होते हैं, वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक होता है। किस प्रकार के नाटक अधिक सशक्त होते हैं? तो कौन से मैंने बताए जिसमें असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे तत्व होते हैं, वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक होता है। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का अंत कैसा होना चाहिए? तो भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का अंत सदैव सुखांत होना चाहिए। अब यहां पर लघुत्री प्रश्न है। अभी मैंने अति लघुत्री पढ़ाए, अब यहां पर दिया है नाटक किसे कहते हैं? नाटक नट शब्द से निर्मित है जिसका आशय है सात्विक भावों का अभिनय। कौन से भावों का? सात्विक भावों का अभिनय। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। इस काव्य के अंतर्गत दृश्य, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं? देखते हैं। इसका प्रदर्शन कहां होता है? रंगमंच पर होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुसार नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया है। दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है। रूपकों में नाटक का ही सबसे मुख्य है, अतः रूपक एकमात्र को नाटक कहते हैं। नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। नाटक एक दृश्य विधा है। साहित्य की गद्य विधाओं में कहानी, उपन्यास व निबंध आदि की तरह नाटक भी एक गद्य विधा है। अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक ही यात्रा करती हैं, परंतु नाटक पढ़ने, सुनने और देखने के गुण को अपने अंदर समाहित कर लेता है। नाटक एक आयामी नहीं होता तथा लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। मंचन के द्वारा इसे संपूर्णता प्राप्त होती है। इससे पाठक और दर्शक दोनों वर्ग होते हैं, इससे पाठक और दर्शक दोनों ही वर्ग के होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि अभिनय की दृष्टि से संवादों, दृश्यों पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई साहित्यिक रचना क्या कहलाती है? नाटक कहलाती है। चलिए, अब यहां पर है शब्दों का नाटक में क्या महत्व होता है? किसका? शब्दों का। तो शब्दों का नाटक में क्या महत्व होता है? साहित्य की समस्त विधाओं के लिए शब्दों का बहुत महत्व होता है, परंतु नाटक में शब्दों का विशेष महत्व होता है। नाटक जगत में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग पहचान रखते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र में शब्दों को नाटक का शरीर मानते हैं।
नाटक शब्द वर्णित न होगा क्रियात्मक अधिक होते हैं, इसलिए वे दृश्य उपस्थित करने में पूर्ण समान होते हैं। शब्दों का प्रयोग वाक्य के स्थान पर व्यंजना की ओर जाता है। शब्दों का प्रयोग घटना व परिस्थिति से संबंधित होता है। शब्द नाटक समय के साथ तारतम्य बैठाते दर्शकों को नाटक से बांधे रखते हैं। फिर अगर नाटक का कलेवर संवादों द्वारा ही बढ़ता चलता है, स्पष्ट कीजिए, तो संवाद नाटक के कलेवर का विस्तार करते हैं यह और कथा नाटक को सार्थक बनाते, इसलिए संवाद नाटक का जरूरी और सशक्त माध्यम है। संवादों का प्रयोग पात्रों के द्वारा ही किया जाता है। नाटक में तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, उपसंहार जैसे तत्वों के विकास के लिए पात्रों में संवादों का लेन देन अनिवार्य होता है। नाटक में संवाद पात्रानुकूल होने के साथ साथ छोटे छोटे व सहज भाषा में भी होने चाहिए। अब आता है संवादों में संस्कृत निष्ठ या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग वर्जित होता है। नाटक की सफलता के लिए संवादों का क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना और अन्य तरह संवादों का होना अनिवार्य होता है। जैसे हेमलेट का संवाद टू बी और नॉट टू बी और स्कंद गुप्त का अधिकार सो कितना मादक और सारी है, इस प्रकार। आता है यहां पर नाटक लेखन के लिए आवश्यक तत्व तो कौन कौन से हैं। तो पहला आता है आधार। अंग्रेजी में एक शब्द है प्लॉट जिसका अर्थ होता है आधार या भूमि। कथा सभी प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है और नाटक भी एक प्रबंधात्मक घटना, इसलिए इसका कथानक अनिवार्य अंग है। फिर है कथा वस्तु को ही नाटक कहा जाता है। वास्तव में नाटक को अपनी कथा वस्तु की योजना में पात्र घटनाओं में इस रूप में संगति बैठानी होती है कि पात्र कार्य व्यापार को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सके। नाटककार को ऐसे प्रसंग कथा में नहीं रखना चाहिए जो मंचन के योग्य ना हो। यदि कुछ प्रसंग बहुत आवश्यक हो तो नाटककार को उसकी सूचना कक्षा में दे देनी चाहिए। दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। नाटककार को अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है, इसलिए नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। नाटक का प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी एवं समाज को उचित दिशा ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार विनयी, सुंदरी, सुंदरशीलवान, त्यागी, उच्च गुणी होना चाहिए, किंतु वर्तमान में नायक किसान, मजदूर आदि भी हो सकता है। नाटककार को उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने एवं नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक हो। फिर आता है संवाद। नाटककार के पास नाटक में अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता। नाटककार संवादों द्वारा ही वस्तु का उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। जो संवाद कैसे सरल, सुबोध, स्वाभाविक और पात्रानुकूल होने चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषय संवादों की अनुभूति में क्या होते हैं, बाधा होते हैं। संवादों को नाटक का क्या कहा जाता है, प्राण। किसको, संवादों को नाटक का क्या कहा जाता है, प्राण। अतः गंभीर दार्शनिक संवादों से बचना चाहिए। कभी कभी स्वागत कथा एवं गीतों की योजना आवश्यक होती है। फिर है देश काल वातावरण। देश काल वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग अनुरूप के प्रति विशेष सतर्क रहना होता है। नाटक में संकलन ग्रह अर्थात समय स्थान कार्य कुशलता का वर्णन किया जाता है, किंतु रात भर चलने वाले लंबे नाटक होते थे जिनमें दृश्य परिवर्तन की योजना नहीं होती। नाटक में स्वाभाविकता, औचित्य, सजीवता लाने के लिए पात्रों की वेशभूषा, तात्कालिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों का विशेष स्थान है। फिर है भाषा शैली के अंतर्गत क्या आएगा। नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है तो उसकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, जिससे नाटक में प्रभाविकता का समावेश हो सके। क्लिष्ट भाषा रस की अनुभूति में बाधा होती है। अतः नाटक की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल व स्पष्ट रूप में प्रवाहित होनी चाहिए। उद्देश्य, समाज के हृदय में रक्त का संचार करना ही नाटक का उद्देश्य है। नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदा आशावादी रहा है, इसलिए संस्कृति संस्कृत के प्राय सभी नाटक पूर्ण सुखांत रहे हैं
और पश्चिमी नाटककारों ने इस प्रकार साहित्यकारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते उनके प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया और उसके प्रभाव से भारी कई नाटक दुखांत में लिखे गए, किंतु यह सत्य की उदास पात्रों के दुखांत तंत्र से मन भिन्न हो जाता है। अभिनेता यह नाटक की प्रमुख विशेषता है। नाटक को नाटक का तत्व प्रदान करने का श्रेय किसी को नाट्य तत्व का यही गुण दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस संबंध में नाटककार को नाटकों के रूप आकार विषयों की सजावट और उसके उचित संतुलन परिधान व्यवस्था प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अर्थात लेखक की दृष्टि रंगशाला के विधि विधानों की ओर विशेष रूप से होनी चाहिए। इसी में नाटक की सफलता निहित है। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर नाटक की परिभाषा और किसे कहते हैं नाटक और इस प्रकार से पढ़ाया। आप लोग परीक्षा के लिए इसको तैयार करेंगे। धन्यवाद।